हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने इस वीडियो पर अपने ब्लॉग चैनल को वायरल करने के लिए 5 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से तीसरा पॉइंट था गुड थंबनेल। मैंने जब यूट्यूब पर माय फर्स्ट ब्लॉग सर्च किया था तो मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों को थंबनेल बनाने आता ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो वायरल करने के लिए उसका थंबनेल बेस्ट से भी बेटर होना चाहिए। तो अभी यूट्यूब पर ब्लॉग देने के लिए ऐसा वाला थंबनेल ट्रेंड में है, तो इस वीडियो पर सीखेंगे ऐसा पॉपुलर थंबनेल अपने मोबाइल पर पिक्सल लैब से कैसे बनाएं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है प्रदीप, यहां पर स्टार नंबर 2 राजा के फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात याद रखना, आपके थंबनेल पर जितना ज्यादा CTR उतना व्यूज, और जितना व्यूज उतना सब्सक्राइबर्स, और जितना सब्सक्राइबर्स आपके पूरे चैनल के ओवरऑल ग्रोथ उतनी ज्यादा। और CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि आपके वीडियोस यूट्यूब ने 100 लोगों को शेयर किया है और 100 लोगों में से 5 लोगों ने क्लिक किया, तो आपका CTR 5% होगा। और किसी भी वीडियो को पहले पहले वायरल करने के लिए उसका CTR 10% से ऊपर होना चाहिए। तो इसी बात पर ठोको लाइक, लाइक है मैं 100, आशा करता हूँ कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए आप थंबनेल बनाना भी सीख लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब फोटो एडिटर, यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट ये जो है ये टेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर ऊपर में डिलीट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके, फिर ऊपर में ही आप लोगों को 3 डॉट मिल रहा होगा राइट साइड पर, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों को इमेज सर्च पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करके आप लोगों को यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप लोग याद रखना 1280x720 या तो 16:9 होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोगों को प्लस, ऊपर में आप लोगों को प्लस आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप लोगों को फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके आपको अपना फोटो को इंपोर्ट करना है। मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे पर यस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे में आप लोगों को बीचों बीच पर क्लिक कर लेना है, जहाँ पर एरो का निशान आप लोगों को मिल रहा होगा सिंपल सा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है रिलेटिव साइज, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और दोनों को आप लोगों को 100 पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है। फिर आप लोगों को ऊपर में राइट साइड पर एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ताले पर लगा देना है, यानी लॉक लगा देना है, ताकि आपका जो फोटो है वो इधर उधर ना हिले। ओके, आगे की ट्रिक बताने से पहले थोड़ा सा आप मेरे फोटो को गौर कीजिएगा। अभी मेरा फोटो कुछ इस टाइप का है, मैंने उसे एडिट करके कुछ इतना हाईलाइट बना दिया है। तो आपका जो फोटो रहेगा, आप जो कैप्चर किए होंगे, उस फोटो को आप लोग अगर हो सके तो लाइट रूम या जो भी आप फोटो एडिटिंग जानते हैं उससे एडिट करके थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके आप लोग फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना है और आपको और एक PNG इमेज ऐड करना है, जिसका नाम है ब्लैक साइड PNG। आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ और इसको मैं स्लाइड करके थोड़ा सा राइट बाय साइड पर स्लाइड करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके आप छोटा कर सकते हैं इजी। यहाँ पे मैं इसको फिर लेयर पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे लॉक लगा लूंगा और साइड में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा साइड करके इसको भी थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके इसको सेट कर देता हूँ। फिर से हम लोग लेयर में क्लिक करेंगे, इसको भी लॉक लगाएंगे। फिर तीसरा हम लोगों को फिर से कॉपी करना है, क्योंकि हम लोग साइड में अच्छा खासा ब्लैक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छा से ज्यादा ब्लैक होगा। ओके, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे ब्लैक हो गया है, देख सकते हैं ज्यादा ही ब्लैक हो रहा है। यहाँ पे मैं लेयर पर क्लिक करूंगा, फिर से इसको लॉक लगाऊंगा। अब हम लोग को प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है ऊपर में लेफ्ट साइड पर, फिर यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग देख सकते हैं नीचे में आप लोग एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिखना है गांव, लिखने के बाद आप लोग ओके पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे साइज मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइज हम लोग क्लिक कर लेते हैं। फिर यस पर क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है फॉन्ट, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेंट में चलते हैं, मेरा ऑलरेडी फॉन्ट यहाँ पे टोक्यो बोल्ड जिसका नाम है, मैंने डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे चुका हूँ, डाउनलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको साइड कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कलर मिल जाएगा। ओके, कलर का ऑप्शन पर फिर ग्रेडिएंट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो ब्लैक है इस पर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर ये साइड वाला जो ब्लैक है यहाँ पे क्लिक कर लेना है, फिर कलर पर क्लिक कर लेना है और कलर पर जो सबसे पहले जो कलर होगा वो कुछ आपका इस टाइप का ये वाला कलर होगा। ओके, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे कलर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो आपका ज्यादा ही ग्रीन यानी ज्यादा ही येलो जो आपका रहेगा, थोड़ा ग्रीन थोड़ा येलो जो होगा उस पर सिलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ा सा ये हाईलाइट कर लेना है, ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके, फिर आप लोगों को नीचे में थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक पर क्लिक कर लेना है, एनेबल कर देना है और यहाँ पे जो स्ट्रोक रहेगा वो आपको ब्लैक कलर के सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को 5 स्ट्रोक कर देना है। फिर स्ट्रोक देने के बाद आप लोग यहाँ पे शैडो पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पे एनेबल कर देना है और आप लोगों को यस कर देना है, ताकि साइड साइड का जो ब्लैक स्ट्रोक रहेगा उसको भी एनेबल हो जाएगा। फिर शैडो को देने के बाद आप लोगों को तीसरा काम करना है, यहाँ पे इनर शैडो देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एनेबल कर लेता हूँ और एनेबल करने के बाद यहाँ पे मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे में आप लोगों को मिल जाता है ऑफसेट, जो कि आप लोगों को मिनिमम 5 रखना है और यहाँ पे जो नीचे ऑफसेट वाई जो कि आप लोगों को नीचे वाला एकदम सबसे नीचे वाला 10 रखना है। तो देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ओके कर देना है, फिर लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे लॉक लगा देना है। ओके,
फिर साइड वाला एडिट पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि सेम हम लोगों को और भी तो लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं की, तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं, ओके। फिर यहाँ पे फिर से हम लोग की को भी लॉक लगा देते हैं, फिर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखना है पिकनिक। पिकनिक लिखने के बाद ओके कर देना है, और ओके करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे फिट टू फिट बैठ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने बैठा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितने भी पीएनजी और फॉन्ट यूज किया है वो सारा डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो ब्लॉग चैनल के लिए सिर्फ ऐसा ही थंबनेल नहीं, बहुत सारे थंबनेल होते हैं। अगर कोई पॉपुलर यूट्यूबर के थंबनेल नहीं बना पाते हो तो इंस्टाग्राम आईडी शो हो रहा है, जाके मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए चैनल पर नए आए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो को वायरल करना है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक करो, वरना अपने वीडियो को प्रोफेशनल शूट करना है तो नीचे वाला वीडियो क्लिक करो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।